हर हर महादेव। बहुत से लोग पूछते रहते हैं, श्रद्धालु जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कि भाई व्रतों में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सामान्य रूप से लोग जिसका भक्षण करते हैं, जिसको व्रत में लेते हैं, फलाहार जिसको कहते हैं, उसकी जो है स्थिति डमाडोल है। शास्त्रों में उसको मना किया गया है। देखिए, ये बहुत ही उपयोगी है धर्म सिंधु के आधार पर। ये जो है आमिष पदार्थ, यानी जो पदार्थ व्रत में मांस के समान माने गए, मांस के समान निषिद्ध हैं, और जो हविष्यान्न यानी जिनका भक्षण व्रतों में किया जा सकता है। उपवास और व्रत में क्या अंतर होता है, जी मैं बतला चुका हूँ। सामान्य रूप से दोनों ही एक उपवास के व्रत के रूप में रूढ़ हैं, वो अलग बात है, पर इनका अंतर क्या है वो आप हमारी पिछली वीडियो में सुन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि व्रतों में उपवास जो हम करते हैं, अन्न त्याग व्रत जो फलाहार करके जो करते हैं व्रत, इसमें क्या क्या नहीं लेना चाहिए वो देखिए। धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि चर्मस्थम जलम गोभिन्न क्षीरम मसूरम जंबीर फलम सुक्ति चूर्ण मित्यामिष गणो व्रते वर्ज्यः। चर्मस्थम जलम, पहले जो कुएं में से जल खींचते थे तो एक चमड़े का पात्र बना लेते थे, चमड़े का चारों कोने बांध करके, उसको चरस या पारा या कहीं कहीं जो है अलग अलग बात कहते थे, यहाँ जो है चर्म नाम ही दिया गया, चर्म पात्र। तो वो जल जो है व्रत में नहीं लेना चाहिए, वो चमड़े में भर करके आया है। चर्मस्थम जलम, या यूं समझ लीजिए आजकल ऐसे जो है ये प्लास्टिक बोतल या जिन जिन में जो पानी सभी का छुआ हुआ है, या जो जैसा जल होता है, किसी ने ये आरओ के ये जो जल आ रहे हैं आजकल बड़े महंगे रूप में बेच रहे हैं, दूध के भाव में तो जल मिल रहा है, गांव में कहीं जो है देखें तो इतने भाव में जो दूध मिल जाता था। तो ये जो जल चाहे कोई बेच रहा है, चाहे कोई छू रहा है, ये तो जल अशुद्ध हो गया, इस जल को नहीं लेना चाहिए, ये समझ जाइए। गोभिन्न क्षीरम, खास बात, गाय के अलावा, गाय भी कौन सी, भारतीय नस्लों की जितनी भी गाय हैं जो भारतीय हैं, उनके अलावा किसी अन्य गाय का या अन्य महिष यानी भैंस इत्यादि पशु का दूध व्रत में सदा वर्जित है, कभी नहीं लेना चाहिए। गाय तो हिंदू लोग रख ही नहीं रहे हैं, बहुत ही कम लोग रख रहे हैं। सामान्य रूप से जो हम गांव में भी इधर उधर जा कर के देखा तो वे लोभी लोलुप किसान लोग भी अब जो है गाय को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि देसी गाय बहुत कम दूध दे रही हैं, परंतु गुणकारी है तो गुण पर कोई जाता नहीं है, वो प्रत्यक्ष रूप से वो भैंस इत्यादि को रख रहे हैं। तो भैंस का दूध जो है, भैंस का दही, ये सब व्रतों में वर्जित है, व्रत खंडित हो गया। आपने खा लिया तो माने कि मांस खा लिया, आगे जी कह रहे हैं आमिष गण में गणना कर रहे हैं व्रतों में। देखिए धर्म सिंधु में आप देख सकते हैं, चर्मस्थम जलम गोभिन्न क्षीरम, गाय के अलावा और किसी का दूध, मसूरम मसूर जो है दाल इत्यादि लेना, जंबीर फलम वाह नींबू का फल, नींबू नहीं खाना है, छोटा नींबू बड़ा नींबू कैसा भी नींबू हो, बिजौरा नींबू, ये नींबूओं को वह व्रत में नहीं खाना है। और सुक्ति चूर्णम माने जो शीप होती है समुद्र में नदियों में शीपी मिलती है ना, तो उसका चूर्ण इत्यादि ये जो है कहीं चूना इत्यादि बना करके उसका श्रुति इत्यादि के साथ खाते हैं कहीं कहीं लोग, तो वो मना कर रहा है। सुक्ति चूर्णम इति आमिष गणो व्रते वर्ज्या, जी आमिष गण है और व्रत में सदा वर्जित है, इति धर्म सिंधु। और बता रहे हैं कुछ दूध ऐसे हैं पशुओं के, वो कभी नहीं लिए जाते, क्या है, अनिर्दशाया गोचीर मौष्ट्र मेक शफन तथा आविकम संदिनी क्षीरम विवत्सायाश्च गोह पयः। ऐसी गाय का भी दूध नहीं लेना, अनिर्दशाया
जिसको ब्याह हुए अभी 10 दिन या 10 दिन से कम हुए हैं, गाय ब्याने के बाद 10 दिन बाद कम से कम 11वें दिन से दूध लेना चाहिए गाय का भी। व्रत के अलावा अगर भैंस का दूध लेते हैं तो वहां भी सबका 10 दिन तक दूध नहीं पीना है। अनिर्दशाया गोचीरम और औष्ट्रम उटनी का दूध ये व्रत में नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना, ये तो कभी लेना ही नहीं है। एक शफम, एक शफ वाले यानी घोड़े जैसी जो टाप जिनकी है, घोड़े गधे, आजकल तो हमने फेसबुक पे पढ़ा था गधी का दूध बड़ा भाई महंगा बिक रहा है, क्या देख लिया लोगों ने, तो गाय के दूध को छोड़कर के लोग गधी का दूध पी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मना किया गया भाई कलयुग में न जाने किसका कभी है ना कुत्ती का दूध, तो कोई कह रहे बड़े भाई गुणकारी होता है तो लोग पीने लगे हैं क्योंकि वैज्ञानिक की बात मान लेते हैं लोग, अरे इससे आपको ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहा कोई सुनी नहीं रहा है। व्यास जी कहते हम तो दोनों हाथ उठा करके और चिल्ला के कह रहे कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। ऊर्ध बाहो कोई सुनता ही नहीं, तो ये बात है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो है एक शफ वाले घोड़े इत्यादि जिनकी टाप होती है, जिन्हें एक शफ होता है, और गाय इत्यादि दुशफ हैं, दो जो है खुर होते हैं ना आगे आगे ऐसे, तो उनको दुशफ कहा जाता है एक शफ वाले का, तो एक शफ वाले का दूध निषिद्ध है। आविकम माने भेड़ का दूध, संदिनी क्षीरम जो गुर्विणी हो चुकी है, जो गाय जो या भैंस भी जो बालक गर्भाधान जिसका हो गया है उसका भी दूध नहीं लेना है। और व्यवत्सायाश्च गोपया ऐसे गाय का दूध जो संदिनी है अथवा ये जो है व्यवत्सा है, व्यवत्सा यानी जिसका बछड़ा मर गया है उसका भी दूध शास्त्रों में पीना मना बताया गया है। संदिनी गुर्विणी प्रायः 1-1.5 महीने बाद हो जाती है, गाय भैंस 2 महीने के अंतर्गत गुर्विणी दूसरी हो जाती है, तो क्या पहले 10 दिन वैसे निकल गए फिर 2 महीने में वो गर्भिणी हो गई तो 1-1.5 महीने ही दूध ले में क्या। तो इसमें बात बताई गई है कि जब वो गर्भाधान हो उसका तो अब 3 दिन नहीं लेना है, उसके बाद कुछ दिन तक ले सकते हैं जब तक वो 6 महीने का गर्भ नहीं हो जाए उसका, ठीक है। ये जो है शास्त्रों का रहस्य, ये मैंने अभी जो है प्रमाण तो इसका नहीं दे सकते, एक प्रामाणिक आचार्य ने इसको बतलाया है और ये व्यवस्था भी ठीक है, ये शास्त्र के अनुसार है। इसलिए वो गाय भैंस का दूध जब तक 6 महीने की जो गुर्विणी नहीं हो जाती तब तक ले सकते हैं, और उसका जो है जब गर्भिणी हो तब 3 दिन तक नहीं लेना है। और ये जो है मनुस्मृति का 5वें अध्याय का 8वां श्लोक था जो अभी बतलाया, और गौतम स्मृति का जो है 17वां श्लोक है वो जो गद्य भी है उसमें, गौश्च क्षीर मनिर्दशाया सूतके चाजा महिष्योश्च, गाय का क्षीर भी जो 10 दिन तक ब्याई नहीं है ऐसा गाय 10 दिन तक जो है ब्याने के बाद गाय का भी दूध नहीं लेना है क्योंकि वो सूतक होता है, ये सूतक भेड़ में बकरी में और ये जो है भैंस में भी होता है। सूतके चाजा महिष्योश्च नित्यम आविकम, और आविक यानी ये जो है भेड़ में तो रोजी आशौच है ही, उसका दूध तो नहीं लेना है, ऊपर जो बात कही थी वही उसमें गिनाए गए हैं। आविकम औष्ट्रम एक शफम च चंदिनी यमसूर, देखिए एक बात और कही यमसूर माने यदि किसी गाय के या किसी भैंस आदि के 2 बछड़े हुए हैं, 2 जो है उसको हुए हैं बालक उसके वत्स, तो अब भी उसको जो है दूध उसका नहीं लेना है कि उसका दूध उसी के उन दोनों के लायक हो पाएगा, इसलिए उनका दूध नहीं लेना है। संदिनी नांच याश्च व्यपेत वत्साह, जिनका बछड़ा मर गया है, ये जो गौतम स्मृति में भी इस बात को कहा गया है इनके दूध नहीं लेना है। तो दूध किनका लेना है, ये व्रतों के अलावा दूध किनका पी सकते हैं वो बात भी प्रसंग से बतला देते हैं। अग्नि पुराण में 168वें अध्याय में 19वां श्लोक है, गवाम च महिषीणां च पर्जयित्वा तथा प्यजाम
सर्व क्षीराणि वर्गीयानी तासाम चैवाप्य निर्दशम। गाय भैंस और बकरी इन तीन का दूध लिया जा सकता है, व्रतों के अलावा की बात कर रहे हैं। व्रत में तो केवल गाय का ही लेना, व्रत के अलावा भैंस का और बकरी का दूध पिया जा सकता है, परंतु इनका भी दूध तासाम चैवाप्य निर्दशम, ब्याने के 10 दिन तक तो इनका भी नहीं लेना है। और जो जो बताया है कि चंदनी हो या ये जो है दो बछड़े वाली हो, ऐसा ऐसा हो तो नहीं लेना, वो बात तो लागू होगी। और सर्व क्षीराणि वर्गीयानि, इसके अलावा जितने भी दूध हैं, है ना, इसमें और कौन कौन के दूध हैं वो भी गिनाए गए हैं आगे। इसमें अपनी माता के अलावा या मातृवत आदरणीय धात्री इत्यादि या षोडश मातृकाओं की यहाँ चर्चा है, उनके अलावा किसी स्त्री का दूध भी अपेय है। वो तो बालक के लिए, वो तो बड़ा हो गया तो फिर तो वो अब तो किसी का भी दूध उसके लिए अपेय हो गया, मतलब मानुषी दुग्धम अपेयम, वो भी जो दूध नहीं पीना है किसी भी रूप में। उसका बड़ा प्रायश्चित लिखा है, फिर उसकी चर्चा कभी फिर करेंगे। तो ये जो है व्रत में नहीं लेना है। अब बताते हैं कि व्रत में क्या क्या ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जो यहाँ हविष्यान्नों की चर्चा है, कई जगह है, हम अभी धर्म सिंधु से बोलेंगे तो उन हविष्यान्नों में कुछ मुद्ग, जौ और गेहूँ, गोधूम तथा ब्रीही यानी चावल इत्यादि, इनकी चर्चा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई व्रत ऐसे हैं कि जिनमें एक भुक्त करना है, एक बार कोई एक अन्न खा सकते हैं, तो उसमें एक ही अन्न लेना, ऐसा नहीं इन अन्नों की चर्चा है शास्त्रों में तो वो सब ले लिए, नहीं, कोई एक अन्न। जैसे गेहूँ आप खाते हैं तो गेहूँ के पराठे इत्यादि एक बार की गाय के घी से बना के खा लीजिएगा, तो एक भुक्त हो गया। एक भुक्त नक्त इन व्रतों में ले सकते हैं। तो एकादशी व्रत भी हमने लिखा था एक बार लेख, उसमें भी अगर कोई यूँ रहना चाहे कि भाई हम पर नहीं रह जाता, हम नहीं रह सकते, कोई बहुत ज़्यादा भूख को त्याग नहीं कर पाए, तो एक बार भोजन कर सकता है, तो उसमें वो अन्नों को ले सकता है। अन्यथा वो जो है चावल इत्यादि न ले, ऐसी जगह पर जहाँ विशेष निषेध है, तो जिस भी प्रकार है तो उनको नहीं लेना है, बाकी का और जो है वो ले सकता है एक भुक्त व्रतों में। वैसे तो बताया गया है कि भाई ये जो है एकादश्यामा हो रात्रम भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत, नहीं खाना सामान्य रूप से, लेकिन जिस पर नहीं रहा जाए तो वो एकादशी को तो प्रायः लोग रहते ही हैं, उसकी बात नहीं, अन्य व्रतों की ये जो बात है इसको वहाँ समझना चाहिए। जैसे सोमवार रविवार इत्यादि व्रत रहते हैं तो उसमें एक भुक्त लोग कर लेते हैं, उसकी बात है। किसी व्रत में कोई विशेष रूप से त्याज्य होता है, इसमें ये भी लवण भी बताया जाएगा, भाई ये नमक आप खा सकते हैं, नमक कई प्रकार के होते हैं, तो परंतु अब रविवार का व्रत होता है, सूर्य से संबंधित जो व्रत होते हैं उसमें कोई भी जो नमक खाना वर्जित ही होता है, तो वो बात एक अलग है। सामान्य रूप से सभी व्रतों उपवासों में जो जो अन्न खाए जा सकते हैं, अथवा एक भुक्त व्रत में जो अन्न लिए जा सकते हैं उनकी चर्चा, अथवा जिन फलाहारी व्रतों में जिन जिन फलों की जो है आप उपवास में फलाहार में अपनी जो है नियुक्ति कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं, तो उनकी चर्चा देखिए ध्यान से सुनिएगा। श्यामा काश्चैव निवारा गोधूमाश्च व्रते हिता, कह रहे श्यामा माने समा, समा के चावल जिसको कहते हैं श्यामा, और निवार, निवार जो होता है एक अन्न है, और गोधूम माने जो गेहूँ, ब्रीही माने साठी के चावल इत्यादि ये कह गए, मुद्ग यब माने जौ, मुद्ग माने मूंग, जौ तिल, कंकु माने कंगनी, कलायादि भी ये सब जो है, और धान्यम ये सब धान्य, और रक्तेतर मूलकम जो मूली आती है तो वो सलजम इत्यादि या लाल मूली को छोड़ करके, चुकंदर इत्यादि को छोड़ करके बाकी का ये जो है श्वेत मूली भी व्रत में ली जा सकती है, सफेद मूली। देखा रक्तेतर मूलकम, लाल नहीं है ऐसे मूल माने कोई भी जड़, लाल को नहीं लेना। शकरकंद भी दो तरीके का होता है, एक लाल होता है एक सफेद होता है,
तो शकरकंद लाल नहीं लेना है, सफ़ेद ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से शलजम इत्यादि जो भी हुए है और चुकंदर है, जो लाल जो कंद है उनको नहीं लेना है, श्वेत को ले सकते हैं। लेकिन सूरणादिकंदा ये नाम है जो है जिमी कंद का, तो जिमी कंद लाल होते हुए भी व्रतों में उपवासों में लिया जा सकता है। सैंधव सामुद्र लवणे गव्य दधि सर्पी दुग्धानी, सैंधव माने सिंधु में होने वाला, अर्थात सिंधु देश में होने वाला, और सामुद्र माने सैंधा नमक, जिसको जो सैंधव नमक कहते हैं वो, और सामुद्र जो समुद्र में होने वाला नमक है, ये भी दोनों ही लिए जा सकते हैं व्रतों में। धर्म सिंधु में लिखा है सैंधव सामुद्र लवणे द्विवचन का प्रयोग, और गव्य दधि गाय का दही भी, गाय का दूध तो बता ही दिया था, गाय का दही भी लिया जा सकता, और सर्पी माने घी और दुग्धान और दूध, गाय का दूध दही और घी तीनों। पनस फलम आम्र फलम नारिकेलम हरीतकी, कटहल आम का फल, नारियल और हरीतकी माने हरड़, पिपली जीरकम पीपल, पिपली जो औषधि होती है, जीरा, सुंठी तिंतिणी, और सुंठी माने सौंठ और तिंतिणी माने तो है आपका ये जो है इमली, ये भी लिए जा सकते हैं। पिपणी जीरकम सुंठी और कदली लवली दात्री फलाने, कदली केले का फल, लवली लवली एक ये जो है कह रहे हैं हरफा रेवड़ी, कहीं जो है भाषा का है कहीं होता होगा ये फल है कोई, और धात्री फल माने आंवला, ये जो है ये फल लिए जा सकते हैं। इनके अलावा फलों पे जो है शंका है, समझ रहे हैं ना, व्रतों में ऐसा नहीं है चाहे जो सा अंग्रेजी फंग्रेजी जो यहाँ नहीं मिलते हैं, चाहे जो सा फल ले लिया और अपने वो खा रहे हैं, वो फल की संज्ञा नहीं है। व्रतों में निश्चित पदार्थों को ही खाना है और दिनों में भले खाएं। और आप देखिए खास रूप से बात कि गुडे तरेक्षु विकार, गन्ने से बनने वाले सभी पदार्थ व्रत में लिए जा सकते हैं, परंतु गुड़ नहीं। देखिए गुड़े तर इक्षु विकार, गुड़ को छोड़ करके और जो भी शर्करा आदि बूरा जो भी है वो सब, अब रस वगैरह वो सब लिए जा सकते हैं गन्ने का व्रत में। इत्येतानि और अतैल पकवान, परंतु ये सब पदार्थ जो भी अगर बनाना है तो तिल के तेल या सरसों के तेल में नहीं बनाना है, अतैल पकवान घी में अगर ये बने हैं या वैसे ही हैं तो हविष्याणि, तो इनको हविष्य कहते हैं, हविष्यगण हविष्यान्न इनको कहते हैं। कुछ और हविष्य बतला रहे हैं, दो तीन चीजें, गव्यम तक्रम माहिषम घृतम अपि क्वचित, ये भी है। देखिए गव्यम गाय का तक्रम, गव्यम तक्रम गाय का मट्ठा भी आप व्रत में ले सकते हैं, ऐसे इत्यादि का नहीं। माहिषम घृतम केवल घी लेना, तो भैंस का केवल घी लिया जा सकता है, भैंस का दही, भैंस का दूध, भैंस का मट्ठा और भी जो पदार्थ होते हों वो सब दूध के नहीं लेना है, केवल भैंस का घी आप व्रत में ले सकते हैं। माहिषम घृतम अपि क्वचित, इनको भी लिया जा सकता है, ये भी क्वचित माने कुछ आचार्यों के मत में जो है, ये धर्म सिंधु में लिखा हुआ है। इस तरीके से व्रत में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, खास रूप से देखो आपको एक मोटी बात बतला दें कि भैंस का दूध दही मट्ठा इत्यादि कुछ भी व्रत में नहीं लेना है जिसको लोग लेते हैं, गुड़ व्रत में नहीं लेना है जिसको लोग लेते हैं, और ये जो नींबू इत्यादि या जिन फलों की चर्चा इनमें नहीं है उन फलों को भी अपने प्रसन्नता से नहीं लेना है, ये बात है। और जिन अन्नों की चर्चा या जिस तरीके से है उनको एक भुक्त व्रत में आप ले सकते हैं। इसमें ध्यान रहे दो नमक भी बताएं, दोनों नमक व्रत में लिए जा सकते हैं। परंपरा से खैर हम सैंधव नमक ही लेते हैं,
तो भले उसी को ले, पर शास्त्र में ये भी है। और भी कोई चर्चा होगी व्रत से संबंधित तो हम जो है इसको बतलाएंगे। खास रूप से कई प्रश्न हैं, इसको हमें बतलाना है कि वैष्णवों की और ये जो है स्मारकों की जो एकादशियां हैं, यद्यपि इसके बहुत भेद हैं, फिर भी जो है भगवान ऐसा जो है हमको सामर्थ्य देवें, आप लोग कृपा करें कि एकादशी के सरल रूप से जो है व्रतों के निर्णय हम बतला सकें, जन सामान्य भी उसको समझ सकें। तो ये बतलाने की कोशिश करेंगे। कई बार इनके प्रश्न आ चुके हैं, लोगों भी जो है अपनी अपनी जिज्ञासा रखते हैं। तो ये जो है ब्राह्म वेद क्या है, कपाल वेद क्या है, सूर्योदय वेद क्या है, दशमी विद्या क्या है, द्वादशी विद्या क्या है, कब कौन सी एकादशी रहनी चाहिए, गृहस्थों को कौन सी, वानप्रस्थों को कौन सी, वैष्णवों को कौन सी, विधवा स्त्री इत्यादि को कौन सी, पुत्रवान गृहस्थों को कौन सी, पारणा कब कब कैसे कैसे होती है, बहुत विषय हैं। धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा थोड़ा विषय रख करके जो अति महत्वपूर्ण है उसको बताने की चेष्टा करेंगे। हर हर महादेव।